गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हुआ है शाम के 6:45 बजे। मेरे हो गया पहले असर का वक्त, फटाफट से मैं नमाज पढ़ता हूँ। इफ्तार का सामान मैं ले आया हूँ ऑलरेडी, देख रहा हूँ पसीनों में क्या हाल होगा। सब सामान हमारा इफ्तार का आ गया है, केले, तरबूज, पपीता, चिकन वगैरह। आज हमारी रेसिपी में बनेगा चिकन कौरमा। साथ में पहले हम करेंगे इफ्तार और फिर उसके बाद से चिकन कौरमा बनाने की तैयारी, मगर सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ नमाज। सरखान यही भी छा ले, मैं आ रहा हूँ अभी 2 मिनट नमाज पढ़ के, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, असर की नमाज मुकम्मल हो चुकी है। अम्मी बाहर नमाज पढ़ रही है, मुस्कान सो रही है और हमारी बच्ची भी आराम से सोने में और मगन है। चल भाई, चला इफ्तार बनाते जल्दी आप फटाफट। इफ्तार बनाने का काम शुरू करते हैं। बाकी सब जितने भी लोग हैं वो सब आने वाले हैं घर में। सब सामान को पिन्नियों से निकाल और फिर उसके बाद से कटिंग करना है। ब्रश वरश सब धुल गया भी आराम से। ये हमारा नया तरीका पपीता कट करने का। इसे तरबूज कटता है। हाँ, काटना तो आता नहीं है, जैसे कैसे करके कटाई हो ही रही है। ये दूसरी बार काट रहे हो ना तुम? ये हमारा नया स्टाइल, यहाँ से पहले कराएंगे कट फटाफट। मोहब्बत के पपीते का शरबत बना रही है। पपीते का शरबत हमने पपीते बनाई है। शिकंजी अभी बना ली तूने? हाँ मैंने बना भी दी। जब पिएंगे ना रोजा में दे देंगे शिकंजी। कैसी? और सारी वो शिकंजी मेरी होगी क्योंकि मैंने ही बनाई थी। वो क्या गया हमारा? और पपीता नानी भी मुझे भी कहती है पपीता। ये कहती है पपीता, ये लाल लाल है। बोल बोल, मीठा है, मीठा मीठा। मैंने नाश्ता नहीं कर लिया। क्या कहना चाह रही है भाई तू? तुम भी तो टांग करो। तुमने कहीं कैसे खाया? इतना बड़ा चम्मच लेके यूं ही मुंह में रख लिए कचालू। तो रोजा खुला था, खाऊंगा नहीं रोजा खुलेगा तो। इतना बड़ा चम्मच के देते, मिला देता चम्मच। तरबूज मिला दो उसमें कचालू में। मैं नहीं मिलाएंगे तरबूज, अलग से खाएंगे। तरबूज अलग से काटेंगे। हमारे पापा काटते तरबूज जल्दी जल्दी। जैसे तुम काट रहे हो ना पपीता, खाने का मन कर रही है ना। ये मछली कट रही है हमारी मछली। जय की रानी है जीवन उसका पानी है। हाथ हाथ एक पोयम सुनाऊं तुम्हें? मैं तुम्हें सुनाऊं एक पोयम, बारिश वाली। बारिश वाली कौन सी सुनाई हो? पानी वर्षा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। बुक में यही तो लिखा हुआ था मेरी। ये हमारे सलमान मामा काट रहे हैं बड़े खुशी से। तू तो चुप रह टकले, तू बोल बीच में। उसके पीछे एक और टकला खड़ा हुआ है बोला, और ये भी पीट के बैठे हैं। बिल्लियों का दरवाजा खोल दिया। नंदी भी सो रही है। क्या बोल रहा है? सेरी खाली में ले रहा है। यहाँ पे 2 प्लेट है और मेहनत करके बैठा है। ठंडा 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 पकौड़िया बन गई। पकौड़िया चलो इधर। हमारा क्या रेडी हो रहा है? चिकन कौरमा। चिकन कौरमे के लिए डाल दिया तुमने? हो रहा हमारा चिकन फाइनली। अभी रात में हम कैट्स को भी खिलाएंगे। अरे इसको क्यों दे रहे हो अभी? अरे डांगर रोजे से पहले चल निकल। रोजे से पहले खाने बैठ गया। रोजे से पहले खा रहा है? नहीं है, चल ले खा ले ले ले। बड़ी बड़ी फुलकी गर्म हो रहा है। अरे ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, पकड़ ले ठंडी हो। फाइनली अभी टाइम हो गया 6:40 का। रोज़ा खुलने में सिर्फ 17 से 18 मिनट और बाकी हैं। बाकी इफ्तार वगैरह सब कुछ बनाकर रेडी कर दिए। कम रह गई थोड़ी सी और बनवा ली गई है। शरबत हमारा बन गया, पकौड़े वगैरह सब कुछ तले जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में बस रोज़ा इफ्तार करने की शुरुआत करें। अगर बात की जाए अगर रोज़े की तो थोड़ा थोड़ा हलक खुशक हो रहा है। भाई दबे कोई बात नहीं, गुजर जाता है। हलक खुशक हो या भूख लगे या कुछ भी हो, रोज़ा रखना तो है। सिर्फ 5 से 7 मिनट बाकी रहेगा रोजा खुलने में। चल भाई तू उसको बंद करके रख रोजा, पहले रोजा खोलो फिर आराम से खेलना। चलो ये आ गई है हमारी पूरी इफ्तार की प्लेट। अभी पकौड़े आने बाकी है, खजूर है सारी वो रेडी होकर रखी है। उधर आ गया हमारा शरबत। ये आ गई गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तेरे को तो पकौड़ी मिलनी ही नहीं है, तू रहन दे, तुझे मिलनी नहीं है पकौड़ी। द
चलो खाना शुरू करो, लपेटना खाओ। पहले खा ले फिर शरबत पियो। टूट पड़ो टूट। लो तुम्हारा खाना, तुम्हारा दलिया पतला पतला पानी। लो तुम्हारे लिए हेल्प कर दी, थोड़ा सा भगार लगवा दिया। अब खाओ, अब आराम से सही खाया जाएगा। थोड़ी चटनी मिलाऊं, अचार लाऊं। अरे तू नन्नी को लेके बैठा हुआ है गोद में, नन्नी को लेके बैठा हुआ है तू गोद में, बैठा रहे आराम से, बैठा रहे बैठा रहे। अभी हमारी इफ्तार की जा चुकी है, उसके बाद से मुस्कान ने भी खाना खा लिया है और अब हमारी बारी है खाना खाने की। जो खाना बना है वो दिखाते हैं अभी। इफ्तार करने के बाद अब लग गया है खाना खाने का दस्तरखान, जो कि बना है। तुम पीछे क्यों हो रही हो? अब खाने वाले हम चिकन लेग पीस। क्या खाएंगे? चिकन लेग पीस। वो देखो उसको क्या क्या पड़ लिया है, दोरे बोरे क्या क्या पड़ना है। चलो लाओ। आ इधर आजा मेरे पास आजा। फाइनली अभी टाइम हो रहा है रात के 1:30 बजे का। 1:30 बजे हम बैठे हैं अपनी छोटी सी बेबी के साथ में खेल रहे हैं। क्या रखा है नाम इसका हमने? माईशू रखा है। माईशा। माईशा नाम हमने फाइनली रख दिया है। रख तो हमने बहुत पहले ही दिया था मगर ब्लॉग में। अरे क्या हो गया? अच्छा रहा है, सही है ना नाम? अच्छा है माईशा। ये पहले सोचा हुआ था मैंने, यही नाम रखना था मुझे। मैंने 2-3 नाम सोचे हुए थे मगर ज़्यादा अच्छा मुझे जो लगा वो माईशा ही नाम लगा। सही है नाम? सही है नाम, सही है, बढ़िया। चलो जी, चलो परफेक्ट है नाम फाइनली। अब ये नाम रख दिया गया है, तो अब नाम रख दिया गया है माईशा। नाम है MAYESHA। स्पेलिंग याद कर ले, ठीक है? तुम्हारी स्पेलिंग याद है? याद है क्या है? मेरी नहीं, इसकी नन्नी की। पता नहीं याद कर। एस एम ए एम ए वाई ई वाई ई एस एच ए एस ए एस एच ए एस एच ए माईशा माईशू एम ए वाई ई माई एस एच ए माईशा। सिंपल सा नाम है, सिंपल सी स्पेल है। फाइनली अभी हमने घर की सारी सफाई कर दी है और सब जा चुके हैं घर में। अम्मी फाइनली अभी तक यहीं पर रुकी हुई है क्योंकि मुस्कान की देख रेख भी अभी करनी ज़रूरी है। खाना वाना अच्छे से, खाना पीना सब कुछ हमारा हो गया है। देखो रो क्यों रही है? रो रही है। परसों जाएंगी? कल मिठाई भी तो बनवानी है हमें। हाँ कल अलविदा मिठाई बनवानी है, अलविदा मनाएंगे, फिर उसके बाद से मिठाई विठाई बनवाएंगे। खुश हो रही है इतना? तो अलविदा है, अलविदा की पहले नमाज़ अदा करेंगे। नमाज़ अदा करने के बाद फिर जाऊंगा मैं मिठाई बनवाने के लिए। मिठाई बनवाने के बाद फिर उसको बांटनी भी है सभी जगह जहाँ जहाँ पर रिलेशन में देनी है। अब आप में से बहुत सारे व्लॉग देखते हैं, आई एम सो सॉरी, मैं सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे सभी का एड्रेस पता होता तो भेज दूँ, क्या प्रॉब्लम है, बट ये है। चलो बाय द वे, अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना, मैं एड्रेस पर आपके भेज दूँगा। इसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं। तो फाइनली बस मिठाई विठाई बनेगी, सब जगह बटेगी। बाकी कल है जुम्मा, अलविदा, अलविदा की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद से 3-4 रोज़े और बाकी हैं। मैं उम्मीद कोशिश पूरी ये करूँगा कि सारे रोज़े कायम किए जाएँ। रखेगा रोज़ा? मैं रखूँगा कल। मना कर दिया साहब? मैं रखूँगा। तू रखेगा? तू तो अभी सो जाएगा सहरी से पहले। मैं खा लूँगा, कल सहरी खानी थी। सहरी खानी थी और तू नहीं रखेगा? साफ मना कर रहा है। तो फाइनली अब करते हैं सारे ब्लॉग की यहीं पर समाप्ति। आई होप कि आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों दम मचा रहा हूँ? जिंदगी रही तो मिलेंगे अगले दिन प्यारे से खेल खिलाते नेक्स्ट अलविदा वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, कम बैक टुमॉरो।